आप लोगों ने एक टॉपिक काफी चर्चा में सुना होगा कुछ समय पहले, वो था पेगासस जासूसी कांड। और एक चर्चा में फिर से इसलिए है क्योंकि हाल ही में आपके सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया हुआ है, पेगासस मामले में शीर्ष न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंदन समिति की देखरेख में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है इसकी जांच के लिए कि आखिर ये हुआ था या इस तरह का कांड हुआ या नहीं हुआ। और आपको ये भी बता दूं कि देखिए, पेगासस जासूसी कांड की एक तरह से जांच करवाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एक समिति का गठन किया गया था, लेकिन आपको बता दूं वो सरकार की तरफ से समिति बनाई गई थी। और ये भी आप देखते हैं कि सरकार, जो आपकी राज्य सरकार है, इस तरह की जांच के लिए कोई समिति बनाती है, कोई कमेटी गठित करती है, तो उनके पास शक्तियां भी, जांच करने की शक्तियां भी सीमित होती हैं। लेकिन आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस तरह की कोई समिति की बात की हुई है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। और आप सभी लोगों से इसलिए अच्छी बात की बात कर रहा हूं क्योंकि आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर जिस भी समिति का गठन करता है तो मुझे लगता है उसकी बात विपक्ष भी मानेगा और सत्ता पक्ष को भी माननी चाहिए। अगर आप देखिए, यही केंद्र सरकार इस तरह की समिति का गठन करने की बात कर भी रही थी, और अगर वो करती तो आप देखिए कि उसकी जांच में एक तरह से फर्क रहता, और मुझे लगता है कि उसका कोई भी निर्णय आता तो हमारी जो विपक्ष के नेता हैं वो इस बात को नहीं मानते, अगर उनके अनुरूप अगर जांच में उनका हिस्सा नहीं दिखाई देता उन्हें। क्योंकि आप देखिए, इस पेगासस मामले में आपने देखा होगा कई बड़ी हस्तियों के नाम शामिल रहे हैं और कई बड़ी हस्तियों की जासूसी करवाई गई है, जिसमें आप लोगों ने विपक्ष के नेताओं के नाम भी सुने होंगे, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के नाम भी सुने होंगे, सरकार के अपने मंत्रियों के भी नाम सुने होंगे। और इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं, इस जासूसी कांड के अगर आप लोगों को निष्कर्ष पर पहुंचना है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि इस जासूसी से सबसे ज्यादा किस पार्टी को फायदा हुआ है, किस के लोगों को फायदा हुआ है, और इस तरह की जासूसी कौन करवा सकता है। अगर किसी और देश ने, अगर आप देखिए, करवाई हुई है तो उसका आखिर उद्देश्य क्या था। आप देखिए, अगर आप किसी के फोन की जासूसी करवाते हैं, किसी फोन में कोई सॉफ्टवेयर डलवाते हैं या उसके फोन से छेड़छाड़ करते हैं, तो आप देखिए आपका उद्देश्य तो रहा होगा कुछ। तो मुझे लगता है कि अगर ये इस तरह के आप दिमाग रखते हैं, सोचते हैं, तो मुझे लगता है आप बेहतर समझ पाएंगे। और याद रखिए, देखिए, मुझे लगता है कि देश के लोगों की जासूसी करवाना उनकी निजता की हनन, निजता का जो अधिकार मिला हुआ है उसका हनन है। अगर आप देखिए, पाकिस्तान की अगर लोगों की, या पाकिस्तान के जो लोग जम्मू कश्मीर या हमारे देश में हरकतें करते रहते हैं, आतंकी घटनाएं फैलाते रहते हैं, इस तरह के अंजाम देते रहते हैं घटनाओं को, अगर उनकी जांच होती है तो आप देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बेहतर काम है। लेकिन आप देखिए, आप राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई देकर हमारे ही लोगों की, आप अपने ही देश के लोगों की जासूसी करवाए, तो मुझे लगता है ये गलत है। और आप देखिए कि इस तरह से, आप देखिए कि अगर आप किसी विपक्ष के नेता की रणनीति चुनाव में, उसकी क्या रणनीति रहेगी और वो किस तरह के काम करेगा, किस तरह की बातें कर रहा है, इन सब की जासूसी हो रही है, तो मुझे लगता है ये तो गलत भी है। और इसे आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए कि आपका फोन है और आप नहीं चाहते हैं कि आप किसी से अगर बात कर रहे हैं मैसेज के द्वारा या वॉइस कॉल या वीडियो कॉलिंग, या आप देखिए कॉलिंग किसी भी तरह से, जीमेल से, किसी भी तरह से, आप नहीं चाहते कि जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचे। और अगर ये जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाती है तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है, किसी भी तरह के नुकसान की बात करें। और आप देखिए कि आपको निजता का अधिकार हमारे संविधान में, आपको आर्टिकल 21 के तहत एक आपका मौलिक अधिकार मिला हुआ है। संविधान के भाग 3 तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, उसी की बात कर रहे हैं। और अगर आप देखिए इस तरह की बात होती है तो फिर हमारे मौलिक अधिकारों का मतलब क्या रह जाता है, फिर तो हमारी कोई भी बात सुन रहा होगा, समझ रहे हैं? तो ये भी बात है। और इस मामले के तहत केंद्र सरकार पर नागरिकों की निजता की निगरानी के लिए स्पाईवेयर का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया, विपक्ष के नेताओं के द्वारा भी इस तरह का आरोप लगाया गया है।
और आप देखिए, अगर हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है अगर कोई व्यक्ति, और आप देखिए कि इस तरह की बाहरी देशों की मदद करता है या बाहरी देशों से संपर्क रखता है, अगर उसके फोन की आप देखिए जांच होती है, तो इसके लिए नियम कानून बने हुए हैं, समझ रहे हैं? लेकिन आप देखिए कि अगर विपक्षी नेताओं की, और आप देखिए, या तो आप ये सोच लीजिएगा जितने नेताओं की जासूसी हुई वो सभी देश के लिए खतरा है या देश की सुरक्षा के लिए वो खतरा है। सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम लोग निर्णय की बात करें तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, न्यायालय ने स्वयं जांच करने की सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि आप देखिए, हमारी सरकार ने कहा हुआ था कि हम एक स्वयं एक जांच बनाएंगे, समिति बनाएंगे और इसकी जांच करवाएंगे, और आप सभी जानते हैं कि अगर वो इस तरह की जांच करवाती तो इसका क्या रिजल्ट रहता है। मुझे लगता है कि उसके जांच के पहले ही आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। और आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में इस तरह की अगर जांच होती है तो आप देखिए उसका एक तरह से निष्कर्ष भी निकलेगा, और मुझे लगता है कि निष्पक्ष जांच भी होगी। न्यायालय ने कहा है कि सरकार द्वारा जांच पूर्वाग्रह के खिलाफ स्थापित न्यायिक सिद्धांत का उल्लंघन करेगी, अर्थात न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए भी दिखना भी चाहिए। विशेषज्ञ समिति की स्थापना की बात करें तो याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर विस्तृत प्रतिक्रिया दर्ज करने में सरकार की निष्क्रियता के कारण न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरवी रविंदन की देखरेख में विशेषज्ञों का एक पैनल गठित किया हुआ है, और सिफारिश की शर्तों की बात करें तो कानून न्यायालय ने रविंदन समिति ने से नागरिकों को निगरानी से बचाने और देश की साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक कानूनी और नीतिगत ढांचे पर सिफारिशें करने को कहा गया, और न्यायालय ने समिति के लिए 7 संदर्भ के शर्तें निर्धारित की गई हैं जो अनिवार्य रूप से ऐसे तथ्य हैं जिन्हें इस मुद्दे को तय करने के लिए सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। पहले तो आप लोगों ने देखा होगा हमारी सरकार ये कहती रही कि हम लोगों ने पेगासस खरीदा ही नहीं, पेगासस का यूज ही नहीं किया हुआ है। और अगर आप देखिए हकीकत में, अगर हमारी सरकार ने इस तरह की जांच नहीं करवाई हुई, जासूसी नहीं करवाई हुई है, तो ये और खतरा बढ़ जाता है कि वो कौन लोग हैं, कौन सा देश है जो हमारे देश के लोगों की एक तरह से आप देखिए उनकी जासूसी करवा रहा है। खैर, विपक्ष के लोगों को छोड़िए, आप लोग हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवा रहा है, ठीक है? और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संबंधित मुद्दे निजता का अधिकार, तो न्यायालय ने दोहराया है कि निजता का अधिकार मानव अस्तित्व की तरह ही पवित्र है और मानवीय गरिमा और स्वायत्तता के लिए आवश्यक भी है। K.S. पुट्टा स्वामी मामले 2017 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार के एक भाग के रूप में रखा गया था, और आप लोगों ने देखा होगा 2017 में आप निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था, और आप लोगों ने उस समय ये भी देखा होगा कि हमारे जो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ थे, इन्होंने कहा था कि निजता मानव गरिमा का संवैधानिक मूल है, और आर्टिकल आप लोग 21 पढ़ते होंगे, प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत इसे रखा गया है, ठीक है? और आर्टिकल 21 काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। राज्य या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किसी व्यक्ति की गई कोई निगरानी या जासूसी उस व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन है, और इसमें आप लोग वाक स्वतंत्रता की निगरानी, न्यायालय ने निगरानी और सौ सेंसरशिप के बीच संबंध को रेखांकित किया हुआ है, और यह है ज्ञान कि कोई व्यक्ति जासूसी के खतरे का सामना कर रहा है, स्वयं सेंसरशिप द्रुत शीतन का प्रभाव का कारण बन सकता है। यह द्रुत शीतन प्रभाव प्रेस की महत्वपूर्ण सार्वजनिक पहरे की भूमिका पर हमला कर सकता है जो सटीक और विश्वसनीय जानकारी यानी कि वाक स्वतंत्रता प्रदान करने की प्रेस की क्षमता को कमजोर कर सकता है। और आप सभी जानते हैं कि प्रेस को, मीडिया को लोकतंत्र का फोर्थ स्तंभ यानी कि चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, और इसने आगे कहा है कि इस तरह के अधिकार का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक परिणाम सूचना के स्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नागरिकों के अधिकारों को अवरुद्ध करने हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा का उपयोग, न्यायालय के निर्णय के मुताबिक राज्य को हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे का हवाला देते हुए नागरिकों को अधिकारों को अवरुद्ध करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी कि आप जासूसी करवाइए और आप देखिए कह दीजिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और उस पर आप लोग जांच करवाने के लिए सहमत ना हो, या फिर आप लोग आंकड़े देने में एक तरह से कानावानी करें, आप एक तरह से,
इसका अर्थ यह भी है कि न्यायिक समीक्षा के विरुद्ध कोई सर्वव्यापी निषेध लागू नहीं किया जाएगा और इसलिए राज्य द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधिकार का उल्लंघन राष्ट्रीय हित में केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करके ही किया जा सकता है। इस लाइन को बड़े ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। सरकारें कर सकती हैं, जासूसी करवा सकती हैं, लेकिन आप देखिए उसके लिए एक कानून है, ठीक है। और इसके अलावा यह आदेश स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर असहमति का अपराधीकरण नहीं किया जाना चाहिए। और आगे की बात करें तो न्यायपालिका की भूमिका, यह आदेश संविधान में निहित व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका और दायित्वों का एक स्वागत योग्य कदम भी है। और आप देखिए कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं रहेगा तो आप देखिए लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। और एक बात आप भी जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर इनका उल्लंघन करता है, कोई इसमें हस्तक्षेप करता है, सरकारें हो फिर या लोग हो, तो आपने देखा होगा कि आर्टिकल 32 के तहत आपको एक तरह से सुरक्षा मिली हुई है। आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। न्यायालय के आदेश की मूल भावना का परीक्षण इस बात से होगा कि न्यायमूर्ति रविंदन की निगरानी में गठित यह पैनल इस मुद्दे को किस प्रकार संबोधित करता है और किस तरह ये देख रेख करता है, किस तरह की जांच करता है, ये तो आने वाले वक्त में ही मालूम चलेगा। विधायिका की भूमिका की बात करें तो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 के अधिनियम में तेजी लाने की आवश्यकता है। और कार्यपालिका की भूमिका बात करें तो इसके अलावा कार्यपालिका के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक स्तर पर सत्ता के मनमाने प्रयोग को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाए, क्योंकि आप देखिए सरकार जब चाहती है इस तरह की बात करती रहती है, इस तरह के काम करती रहती है, इस तरह की हरकतें करती रहती है। और आप देखिए सरकारों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का एक तरह से हवाला देना बहुत आसान होता है। और आप देखिए हर सरकारों की, वर्तमान सरकार की छोड़िए, आप लोग इंदिरा गांधी के समय आप लोग चले जाइए, जब आपने देखा होगा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था तब भी इसी तरह का आप देखिए दुहाई दी जा रही थी, और कई सरकार इस तरह की दुहाई देती रहती है, ठीक है, क्योंकि इससे आसानी से बच के निकल जाती है। तो खैर इस समिति के बारे में याद रखिएगा, ठीक है।